माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, जो बेवकूफ़ हैं कुछ जिनको पता भी नहीं कि मतलब ये होती क्या चीज़ें, वो ये चीज़ें कर रहे थे। तो इस माहौल के बीच में जो मूवी रिलीज़ हुई, सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा अपनी ये जो लोगों की जो ये जो कर रहे हैं आगजनी कर रहे हैं, तो ये बहुत गंद हो रहा है, तो थोड़ा सा माइंड को हल्का किया जाए। बहुत पढ़ रहा हूँ तो सोचा थोड़ा बहुत यार मूवी देखते हैं, मूवी देख के आते हैं और थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो मूवी देखने गया मैं, मूवी कौन सी देखी, दबंग 3। अब देखो यार, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो ना, तो एक चीज़ जो आपको करनी नहीं है वो ये है कि आपको इस मूवी में लॉजिक नहीं ढूंढने। देखो यार, लॉजिक ढूंढोगे तो हर ये मूवी बिल्कुल भी काम की नहीं रहेगी कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है। एक कैमरा देख के, कैमरे में वीडियो देख के सलमान खान को लोकेशन का कैसे पता चल गया, तो ये सब चीज़ें ना थोड़ी बेमानी से हो जाती हैं। मूवी है एक एक इमेजिनरी चीज़ लेके चलो, देखो उसको एंजॉय कर सकते हो। दबंग 3, जिसे डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने और जिसके अंदर कास्ट है सलमान खान, अरबाज खान, सोनाक्षी सिन्हा और एक शायद इनकी सेकेंड मूवी है साई, देख लेना, थोड़ा नाम में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, साई मंजेरकर, मंजेरकर ऐसे ही कुछ है, ठीक है, जो एक डायरेक्टर है मुकेश मंजेरकर, उनकी बेटी है। और इनके अलावा है किच्चा सुदीप। जब दबंग 1 आई थी तो इस मूवी को बहुत इंजॉय किया था, मतलब कि इसके अंदर सलमान खान का एक अलग ही अलग टाइप का एक करेक्टर देखने को मिला था, एकदम चुलबुल सा। जब दबंग 2 आई, दबंग, अब क्या कहा था मैंने अपनी जैसे वीडियो में, मैं कहता आ रहा हूँ बॉलीवुड का वैसे भी रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई भी मूवी हिट हो जाती है तो उसके ऊपर सीक्वल बनाने स्टार्ट कर देती है, लेकिन उन सीक्वल पे इतना ध्यान वो देते नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ वो ब्रांड बन जाती है, तो उस ब्रांड के ऊपर वो फिर सोचते हैं कि हाँ अब तो ये चीज़ चल पड़ी है, लोग इसको भी देखेंगे। लेकिन यार दबंग 2 यकीन मानो कि इतनी अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी, और दबंग 3 तो कुछ ओवर द टॉप ही चीज़ है, मतलब कि दबंग 2 से भी कुछ ज़्यादा ही आप समझ लो कि इसे सहन नहीं कर सकते। मतलब जो फैन है वो बेशक इसको सहन कर सकते हैं, लेकिन जो अगर अच्छी मूवी चाह रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छी कहानी मिले, या फिर अच्छी कहानी ना मिले तो कुछ और इंटरेस्टिंग सा मिले, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेडी बनाई या इसको सीरियसनेस बनाया, क्या बनाया कुछ समझ नहीं आया, प्रभु देवा ने पता नहीं क्या बना के रख दिया। खैर, हम बात करें अगर एक्टिंग में, तो किच्चा सुदीप ने वैसे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की। जब भी वो स्क्रीन पे आते थे, उनको बोलने के लिए बहुत कम डायलॉग दिए, जब भी वो स्क्रीन पे आते थे बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक सीरियसनेस आ जाती थी, जो सीरियसली उन्होंने अपने करेक्टर को निभाया। वहीं जो सलमान खान है, उनका वही चुलबुल सा अंदाज। हाँ, जो स्टार्टिंग की जो उनका जो सीन था वो बड़ा इंजॉय किया, जो फाइटिंग का जो सीन था अच्छा था। और जो सोनाक्षी सिन्हा है, वही यार चल रहा है। और दूसरी तरफ है ये खुशी का किरदार निभाने वाली, ये जो नई करेक्ट नई जो हीरोइन इसके अंदर ऐड की गई है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मर भी रही है तब भी स्माइल करके जा रही है, तो क्या है यार। मूवी देखने गए थे, सोचा यार माहौल से कुछ टेंशन मिलेगी, वो इस जो टेंशन है उससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्यों, किस लिए, मतलब कि वहाँ भी एक टॉर्चर सहना पड़ता है, वो मूवी देखनी पड़ती है। आया हंसी आई कुछ एक सीन पे, हंसी आई हाँ क्या, एक दो सीन पे हंसी आई, हंसाया, लेकिन क्या वो एक दो सीन ही हंसाने के लिए इतनी बड़ी मूवी बनाई थी। खैर, जिनको पसंद है वो तो जाएंगे। और जो इसकी अगर इसकी कहानी अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, तो यही कहानी है कि जो सलमान खान है वो एक अपने ही पास्ट की एक बात याद करता है, जिसमें वो खुशी से प्यार करते हैं, और उस टाइम जो किच्चा सुदीप है वो भी उसी लड़की से प्यार करते हैं, वही एक पुराने टाइम वाली जो कहानी होती है। फिर दो दो आदमी एक औरत से प्यार करते हैं, और औरत जो है वो एक को पसंद करती है, जो फिर दूसरा दुश्मन बनता है, वो उसको मार देता है, उसी का वो एक सिंपल सी कहानी है। इसमें कोई छुपाने वाली कोई सीक्रेट चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओपन कहानी है, सबको पता होगा, सबको पता भी चल जाएगा, अगर उसने किसी ने ट्रेलर भी देखा होगा तो ऑटोमेटिकली वो कुछ गैस कर सकता है कि हाँ प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है कि आप सोचो कि एकदम ट्विस्ट आ गया, हाँ यार ये इसके साथ मिला हुआ था, यार ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ जाओगे जैसे जैसे मूवी चलेगी, हाँ यार ये इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है ठीक है। और एक जो चीज़ मुझे इसमें बार बार खटकी वो ये कि बार बार गाने आ रहे थे मूवी के अंदर,
मतलब कितने गाने डाले गए मुझे खुद, मैंने गिने नहीं। मतलब सोचा यार एक गाना खत्म हो जाएगा, अब तो ज़्यादा गाने नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद चले, चाहे वो फाइटिंग सीन हो, थोड़ा बहुत रोमांस हो, फिर उसके बाद फिर गाना, फाइटिंग के बाद फिर गाना, या फिर घर आए हो खाने खाने के लिए तब भी गाना ही डाल देते। खैर मूवी ठीक थी और ठीक ही थी, इतनी कोई मैं नहीं कह सकता जो एक्सपेक्ट करके गया था कि हाँ बहुत अच्छी मूवी होगी, एक मूड फ्रेश हो जाएगा, एक एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। लॉजिक अपने घर पे छोड़ के गया था, घर पे नहीं अपने रूम पे छोड़ के गया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप फ़ैन हैं सलमान खान के तो बेशक आपको ये मूवी पसंद आएगी, और मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10 स्टार। बेशक आप एक बार तो देख ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अरे बंद कर, ठंड लग रही है।